subscribe to Shemaroo Movies and hit the bell icon to never miss an update. एक वक्त था जब मैं और विकी भगवान जैसी किसी चीज को मानते ही नहीं थे। हमारा मानना था कि अगर वो इस दुनिया में है तो वो हमको बताए कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ना तो हमको एग्जाम के क्वेश्चन भगवान बताता था और ना हम उसे मानते थे। 36 का आंकड़ा था हमारा उससे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक ऐसी घटना जिसने हमारा खून पानी कर दिया। यूं मान लो कि फांसी के फंदे से लौटकर वापस आ गए। तब लगा भगवान है, वो साथ है। एग्जाम के क्वेश्चन वो बताने नहीं आता, पर अगर आप निर्दोष हैं तो वो आपको बचाने जरूर आता है। गलतियां किससे नहीं होती है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा काम निकल ही आता है जो उनके जिंदगी में हमेशा फर्क ला देते हैं। और ऐसी ही गलती इन दोनों बच्चों से हुई। ये अपने पिता के खिलाफ जाना चाहते रहे, मगर खिलाफ करना इनके लिए भारी पड़ गया जब एक दिन वो रिजॉर्ट में पहुंचे।
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाय. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. की यस सर 106. सर लगे जहां छोड़ के चल जाइए. ओके ओके कूल. चल यार जगह तो बहुत मस्त है भाई. जगह सही है यार. हाँ सही जगह. एक नंबर की जगह यार. हाँ भाई मस्ती करेंगे यार यहाँ पर तो. अरे ये है अपना. ओ सुन यहाँ पर है क्या. हाँ मस्त है यार. यहाँ पर आकर बड़ा मजा आ रहा है. मूड फ्रेश हो गया यार. हाँ यार यहाँ का एटमॉस्फेयर भी काफी अच्छा है. ये एग्जाम ने तो दिमाग खराब करके रख दिया यार. ऊपर से मम्मी पापा का प्रेशर. फर्स्ट डिवीजन भी लेके आओ. हाँ यार घर वाले किसी टॉर्चर से कम नहीं है. तुझे पता है मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था लेकिन मेरे पापा ने जबरदस्ती साइंस दिलवा दी. उन्होंने बोला कि तू डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर बनेगा. अबे इसमें जबरदस्ती है क्या यार. ये लोग नहीं समझते यार. इन लोगों के बीच और हम लोगों के बीच एज जनरेशन गैप होता है मेरे भाई. यू आर राइट. वैसे तू क्या बोल कर आया अपने घर वालों को. बोलता क्या. सच बोलता ना तो कभी मुझे जाने भी नहीं देते. बड़ी मुश्किल से झूठ बोला है कि मेरे फ्रेंड की शादी है, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ. तो भी 50 तरह के सवाल पूछे कि कौन है, किसके साथ है, किसकी शादी है, उसका नंबर दे. अभी मैं ही जानता हूँ. बड़ी मुश्किल से मैं मैनेज करके आया हूँ. यही तो मेरे साथ भी हुआ. जाने से पहले 100 नौटंकी वाले बहाने. कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो. मैंने कहा पापा एक छोटा सा गेट टुगेदर है, कॉलेज के सारे फ्रेंड हम लोग मिलने वाले हैं. तब जाके माने मेरे घर वाले यार, वरना तो बहुत मुश्किल था भाई. आने ही नहीं देते, बता ही नहीं सकता. चल छोड़ ये बता प्लान क्या है आगे. प्लान क्या. अरे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे मस्ती करेंगे और क्या. पहले नहा लेता हूँ फिर चलते हैं. अरे यार तू एक बात बता, बारात में आया क्या हा? जो यहाँ पे नहाएगा. अबे नीचे जाके नहाना ना आराम से स्विमिंग पूल में यार. क्या बात करता है भाई. और क्या आइडिया तो अच्छा है. चल नीचे चलते हैं. हाँ यार चलना. चल चल. अबे अबे क्या कर रहा है. मजा नहीं आ रहा यार. क्या हुआ यार. सोचा था यहाँ पर आकर एग्जाम की सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दूंगा. अबे लेकिन हुआ क्या यार. हम इतनी दूर नहाने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग पूल के लिए आए थे. अरे जब नहाना ही होता तो अपने यहाँ पे ही नहा लेते. अबे हाँ यार अगर अच्छा ही खाना खाना था तो अपने यहाँ किसी रेस्टोरेंट में खा लेते. यार मेरे दोस्त अब यहाँ आ ही गए हैं और 2 दिन रुकने वाले भी हैं. अब तो मस्ती करना बनता है. कैसी मस्ती. यू आर सच अ फूल गाय यार. अरे 20-21 साल के लड़के का मतलब मस्ती का क्या होता है तुझे ये भी नहीं पता. मतलब लड़की. अरे तो बिना किसी लड़की के फन का क्या मतलब. लेकिन ये लड़की मिलेगी कैसे. एक आइडिया है मेरे पास. क्या. अरे तेरे को अपना वो गुरदीप याद है. गुरदीप. हाँ वही गुरदीप जो अपने को नई नई लड़की के किस्से सुनाया करता था. एक बार तो मैंने उसे खुद एक लड़की के साथ कार में स्मूच करते हुए देखा था. वही तो. उसके पास एक आदमी था पता है तेरे को. अरे यार उसको जो लड़की भेजता था. मतलब कॉल गर्ल. हाँ यार पैसे दो मजे लो. नो घंटी बजाने का झंझट, ना झंझट पालने का टेंशन, ना अपने मॉम डैड की टेंशन. सीधी सी बात है भाई. और ना किसी की ये टेंशन कि वो वाले गार्डन में देख लिया, वो वाले कैफे में पकड़े गए. तो करना कौन. और आज रात बना दे मुझे छुट्टा सा. देख मेरे भाई आज मारेंगे मस्ती. एक रूम बुक करेंगे अगल बगल में ठीक है. फिर उसके बाद एक दूसरे की आवाजें सुनेंगे. हेलो क्या हुआ. कुछ नहीं यार. वो कह रहा है कि उसके पास सिर्फ एक ही लड़की है और सबके सब गई हुई है. एक ही लड़की है उसके पास. अबे कैसा पिम मुझे एक लड़की लेके घूम रहा है. अबे पता है उसके पास कॉलेज वाली लड़कियां होती हैं. क्या बात कर रहा है. अबे आजकल की कुछ कॉलेज वाली लड़कियां ये सब काम पार्ट टाइम जॉब समझ के करती हैं. उनको अपना स्टेटस मेंटेन करना होता है. हाई फाई खर्चे होते हैं भाई उन सबके, इसलिए सब ये सब काम करने लगी हैं. कॉलेज गोइंग लड़की. और नहीं तो क्या यार हमारी लॉटरी लग जाएगी भाई. अबे वरना तो हम जैसे को कोई 60 साल की बुढ़िया भी ना पूछे. हाँ यार तू सही बोलता है. एक मस्त आंटी थी हॉट, उसको पटाने के चक्कर में सारा थप्पड़ खाया था. ये सब छोड़
तू ये सुन के उसने आगे बोला क्या है? देख, उसके पास फर्स्ट क्लास एक नई बंदी आई है, ठीक है? और तुझे पता है कि ये कॉलेज गोइंग बंदियां होती कैसी है मेरे भाई? एकदम टोटा बता रहा था उसके बारे में। और मजे की बात सुन, क्या है मजे की बात? ये है कि वो लड़की वर्जिन है। क्या मतलब वर्जिन? हाँ यार, उसका कहने का मतलब तो यही था। कॉल हिम यार, कितने पैसे बोल रहे हैं? 20,000 रुपए बोल रहे हैं। और सुन, हम यहाँ पर 2 दिन के लिए आए थे, एक ही दिन रुक सकते हैं फिर। भाई क्या फर्क पड़ता है यार, एक दिन रहेंगे पर ढंग से रहेंगे ना यार। करता हूँ फिर उसको। हेलो। हाँ हेलो भाई। हाँ बोल। रवि बात कर रहा हूँ। हाँ बोल रवि। अच्छा भाई, हम लोग 20,000 देने को रेडी हैं। 20,000 दे देगा ना? हाँ हाँ हाँ, आप उसे भेज दीजिए। पैसा पूरा मांगता है? नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। आप गुरदीप भाई को हमारे बारे में बकायदा कॉल करके पूछ सकते, वो हमें अच्छे से जानते हैं। ठीक है ठीक है जी। अच्छा, लड़की का नाम क्या है? शनाया। ओके 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 ओके, वो रिसोर्ट आ जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे बिंदास हो जाएगी। ओके ठीक है ठीक है, तो ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, आप भेज दीजिएगा। ओके भेज जी भाई। फिर भाई हम आपके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे, बस आप हमारा काम करा दीजिए। चलिए चलिए भाई। ओके, आ रही है। कब तक आएगी? इवनिंग में। नाम क्या है? शनाया। अबे इसका नाम ही बड़ा होट है यार, शनाया। हाँ यार, पर ये एक है और हम दो। यार यही तो मैं सोच रहा हूँ कि लड़की एक है और हम दो। तू ज्यादा मत सोच भाई, तू तो वैसे भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तू मेरे लिए इतना सा सैक्रिफाइस तो कर ही सकता है। तो भाई मुझे उस लड़की के साथ जाने देना प्लीज। ब्रो देख, दोस्ती अपनी जगह और लड़की अपनी जगह, और तू ही तो कहता है तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, तो दे दे आज दोस्ती की सफाई, कर दे साबित, जाने दे अपने भाई को उसके साथ। अभी मैं खुद अपने जाने के चक्कर में और तो अपनी टांग फंसा रहा है यार। मैं जाऊंगा। क्यों, तू कोई नवाब है जो तू पहले जाएगा? तो मेरे में कोई कांटे लगे हैं जो मैं नहीं जा सकता? ब्रो देख, अगर तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता ना, तो दोस्ती गई तेल लेने। तो मुझे भी कोई ऐसी दोस्ती नहीं रखनी जिसमें कोई फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं है। यू आर सो सेल्फिश एंड यू टू। अच्छा सुन, पहले मुझे जाने दे यार। मुझे करने देना भाई। चल एक काम करते हैं, उसी पर छोड़ देते हैं सब कुछ, वो जिसे चाहेगी उसे बोल। हाँ, दोनों अपने अपने हिसाब से ट्राई करेंगे और उसकी मर्जी होगी कि वो किसके साथ जाएगी। चल ठीक है, मैं उसे SMS सेंड करता हूँ। अबे उसने तो फोटो भेजी उसकी। अबे दिखा, ये देख। अबे तो माल है बे। अबे तो बॉम्ब है यार। हाँ यार, इतनी हॉट लड़की है कि मैं तो जल जाऊंगा यार। क्यों बे, सपने में था ना उसके साथ मजे ले रहा? बेटा सपने में लेगा मजे, क्योंकि रियल में तो मेरे साथ जाएगी। निन 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 निन। बेटा वो तो वक्त बताएगा। Morning. Good morning. I want to meet Mr. Ravi. Mr. Ravi? Yeah. Wait. Hello. Hello, Ravi. हाँ मैं रवि बात कर रहा हूँ। मैं शनाया। शनाया? Dude, where are you? मैं कब से wait कर रही हूँ resort के entrance पे। Entrance पे हो? Okay okay. हाँ हाँ, आप वहाँ पर रुको, मैं आपको लेने आता हूँ। Okay, come. ये मेरे से पहले ही चला गया तेरी तो। अबे मैं जाता हूं। अबे नहीं, अबे रुकना तू यहां पे। हेलो। हाय, आई एम रवि। हाय, आई एम विक्की। हेलो। अच्छा ये बताइए, आपने मुझे पहचाना कैसे? मैंने व्हाट्सएप पे तुम्हारी फोटो देखी थी। शनाया, मैं तुम्हें अपना रूम दिखा सकता हूँ? श्योर।
कमान। और एक काम करो रवि, तुम ये लगेज लेके आओ जल्दी। हाँ देख क्या रहा है, जल्दी लेकर आओ यार, बाय। यहाँ 400 ग्राम का बैग मुझे पकड़ा के चला गया। Please come. Thank you. Wow, very nice room. Very nice bed, yaar. क्या बे कमीने, सपने में बेडसीन कर रहा है उसके साथ और वो तो नहाने गई है, और ये क्या प्रेम चोपड़ा की तरह जीभ निकाल कर उधर देखे जा रहा है। अबे खाली है बेड। हाँ हाँ ठीक है, सपना भी देखा है और सच में भी होगा। सही है मेरा दोस्त, किसी ने सही कहा है, ये लड़की अच्छी अच्छी दोस्ती तोड़वा देती है। और तूने क्या बोला अभी, वो नहाने गई है? हाँ नहाने गई है। क्या बात करते है बे, वो सच में नहा रही है? हाँ यार चला जा। अबे हटना बे, गार्डन में लेकर आ गई, बोलती है सुकून उसको बड़ा अच्छा लगता है। सोचा रहा स्विमिंग पूल में टू पीस बिकनी पहनाकर अपनी आंखें सेक लूंगा, लेकिन ये यहां लेकर आ गई। हे गाइस लुक हियर। हाय। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे ग्रीनरी देखना। सच में बहुत अच्छा लगता है। ये छोटे छोटे पेड़, ये बड़े बड़े पेड़, ये हरे हरे पेड़, हर तरफ पेड़ ही पेड़। वो देखो कितना सुंदर पेड़, मन करता है कि पेड़ के ऊपर अपना घर बना लूं। So funny, but you are so cute. अच्छा विकी, मैं और शनाया ना जरा वॉक करके आते हैं। मैं भी चलता हूँ। यार तू क्या करेगा, देख सुन उसका लगेज है ना यार, तू अच्छा नहीं लगेगा कि वो लगेज लेकर के चले मेरे साथ अपना। तो लगेज मैं उठा लेता हूँ, पर मैं भी चलता हूँ। अरे मेरे भाई, तू फिर भी नहीं समझा, मेरे भाई उसका जो लगेज है ना यार, तू साथ में लेकर चलेगा तो लोग पता है क्या कहेंगे, वो देख उसका नौकर जा रहा है। पर यार भाई तू मेरा भाई है, कोई तुझे मेरा नौकर कहे ना मुझे सहन नहीं होगा यार। तू ना लगेज का बस ध्यान रखना बेबी। आ यार मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ श्योर। अकेले क्या बात है, कुछ बात करनी थी तुम्हें, बोलो। 20,000 में बात हुई थी। हाँ इतना ही चार्ज करती हूँ मैं। अच्छा सुनो, मैंने सुना तुम वर्जिन हो। हाँ हाँ यही समझ लो। समझ लो मतलब? ये सब बेड पे पता चलेगा, जेब में सिर्फ 20,000 और इनको वर्जिन लड़की चाहिए। विक्की के साथ मत जाना। क्यों, वो भी तो अच्छा लड़का है। अब भड़का तो नहीं रहा है? आराम से 35,000 आज रात सिर्फ मेरे साथ। भगवान मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वर्जिन के साथ। हो गई तुम लोगों की प्राइवेट बात? हाँ भाई हो गई। अब मैं जरा प्राइवेट बात कर लूं? हाँ बात कर लो, किसने टोका है बेटा। बात कितनी भी कर ले, आज ये लड़की मेरे ही साथ रहेगी। शनाया मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है, चल सकती हो? चलो बेटा, लगेज का ध्यान रखना। तुम्हारा आदमी मतलब जिसने मतलब तुम्हें यहाँ भेजा था, वो कह रहा था कि तुम 20,000 रुपए चार्ज करती हो। हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज था। किस बात पर? वो कह रहा था कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और
फर्स्ट टाइम में इतना महंगा होना, 20,000 रुपए में तुम। अभी कोई 1-2 लाख दे, उसका इंतजार थोड़ी ना करूंगी। गुस्सा मत हो जान, मैं बस पूछ रहा हूँ। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मुझे 20,000 रुपए में वर्जिन लड़की मिलेगी। ये दूसरा ठरकी, इसको भी वर्जिन लड़की चाहिए 20,000 में। क्या सोच रही होगी? वो मेरा मतलब ये है कि मेरा बचपन से एक सपना था कि मतलब जब मैं नए नए जवान हूँ तो मुझे वर्जिन लड़की मिले। एक और बात कि क्या बोलते हैं कि ये 50,000 की घड़ी है, आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओ। फर्स्ट टाइम है ना तुम्हारा, इसके लिए गुड लक। घर जाकर बोल दूंगा कि घड़ी कहीं गिर गई, कुछ दिन टेंशन हो गई फिर सब ठीक हो जाएगा। और मुझे इस घड़ी के चक्कर में पूरी रात उसके साथ। जो रवि के लिए प्लान किया था वो इसके साथ भी करना पड़ेगा। रात में इतना विस्की पिला दूंगी कि दोनों को होश ही नहीं रहेगा कि रात को बिस्तर पे क्या हुआ और किसने क्या किया। थैंक्स। और मेरा क्या बोलते हैं, आज रात तुम मेरे साथ रुको, रवि के साथ नहीं। शिव, आज रात सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। ओके। देख भाई, तू ना नीचे ही रुकना और पहले ना मैं जाऊंगा रूम में। पागल है क्या? मैं भी चलूंगा, मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है भाई। पता चला मेरे से पहले ही काम कर दिया तूने। यार देख, हम लोगों ने यहाँ आने से पहले ही डिसाइड किया था कि जो कुछ भी करेगी सिर्फ और सिर्फ लड़की ही करेगी, हैं? तो उस पे छोड़ दे सब कुछ, मगर पहले मुझे ट्राई करने दे। पहले ट्राई मैं करूंगा। मैं करूंगा। नहीं मैं। मैं। नहीं मैं। चले काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं। ओके। हेड है तेरा, टेल है मेरा। और बता। ये देख टेल है बुद्धू, मेरा नंबर पहले समझा। शनाया, अच्छा वो तुम मेरे साथ आ गई, और वैसे भी वो विक्की किसी भी काम का नहीं है। अरे वेटर। यस सर। जान क्या पियोगी? कुछ भी। एक काम करो, 106 में फर्स्ट क्लास विस्की 10 मिनट में लेके आ जाओ। जान, आज रात सिर्फ मेरे साथ, उस विकी को भूल जाओ। डोंट वरी, उसको पता भी नहीं चलेगा आज रात क्या हुआ। हाय। ये हमारी नई दोस्ती के नाम। अच्छा शनाया, मैं घर पर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें पहुंचने के बाद कॉल करूंगा। वहां पर मेरा एक फ्रेंड है, उसका फ्लैट खाली रहता है, अक्सर वो आता जाता नहीं है अपने घर पर। तो मैं सोच रहा था कि उससे की लेकर के मैं तुम्हें कॉल करूँ। तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मैं कभी क्यों? कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? इसे खूबसूरत लड़की तो क्या, इसे को फीमेल नाम की कोई चीज तक भाव नहीं देती। कम से कम 40-50 थप्पड़ नहीं खा लेना ये, तो रात को नींद नहीं आती इसे। वाह रे वाह, तू तो जैसे बहुत बड़ा जेम्स बॉन्ड की औलाद है ना। लड़कियां तो तेरे आगे पीछे घूमती है। भूल गया अपने दिन जब तू बार बार जेल में आता जाता था और तेरा बाप तुझे छुड़ा के लेके जाता था? अब क्या धुनाई करता था तेरी। क्या बकवास कर रहा है, मेरे पापा ने आज तक हवालात का मुंह तक नहीं देखा। वही तो मैं भी सोचूं कि इसके डैडी ने न जाने किसका मुंह देखा कि ये दुनिया में आया।
ये देखो, विक्की ने अभी बॉटम सब किया। कम ऑन रवि, तुम इससे पीछे कैसे रह सकते हो? येलो। That's a great. वैसे मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों में से पूरी बॉटल कौन पी सकता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसमें इतनी कैपेसिटी हो। And I want to see that man. वैसे तो we are boys, but आज रात हम man बन ही जाएंगे। You want to see कौन है और कौन नहीं? Yeah. Hey waiter. Yes sir. पूरी बॉटल लेके आए और सेम ब्रांड लेके आना। कौन सी ब्रांड सर? ओल्ड मॉन्क लेके आना। ओके सर। एक्सक्यूज मी वेटर। जी सर। एक बॉटल और। कौन सी ब्रांड आपके लिए सर? सेम ब्रांड। ओके सर। ओल्ड मॉन्क ना? ओके। ऐसे ही कंपटीशन करते रहो और मेरा काम हो जाएगा। बेबी, दारू तो हो गई खत्म, अब गेम होगा शुरू। यस बेबी, लेट्स गो टू द रूम। चलो। या आई एम रेडी। वेलकम वेलकम। आइए आइए। वेलकम। आइए वेलकम। क्या चीज बनाई है यार ऊपर वाले ने? यार दिल आ गया दिल। उठ, तू क्या फटका एक? क्या हुआ सर? मर्डर, मर्डर हुआ है। तुम दोनों ने मर्डर किया है। अबे तुम लोगों ने रात को दारू पिया, फिर बिस्तर वाला गेम खेला, फिर लड़की का मर्डर किया। सर केस तो क्लियर है, इन दोनों को तो फांसी पक्की है। सर किसका मर्डर हुआ? सर किसने किया? ए, शनाया का मर्डर हुआ है, तुम दोनों ने किया है। वहां उस बिस्तर पर। अरे सर सर, क्या हुआ अभिषेक, कुछ बोले? नहीं सर, मैं 10-12 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ सर, कुछ नहीं बोले। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मैंने ये खून नहीं किया, मैंने ये मर्डर नहीं किया और मैंने ये रेप नहीं किया। सर मेरे से तो बोलेंगे, उनका बाप भी बोलेगा। तो तुम दोनों साइंस के स्टूडेंट हो, एग्जाम जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। जी सर। और एग्जाम का फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए
यहाँ चले आए? जी सर। और यहाँ आकर कॉल गर्ल को बुला लिया? नो सर। जी सर। है? जी सर। जी सर। और उसके साथ सारी रात डबल बेल्ट हिलाते रहे? हाँ पता नहीं सर। चुप। पता नहीं सर। एक लड़की के साथ दोनों आधे नंगे मिले हो और बोलते हो पता नहीं सर? सचमुच पता नहीं सर कि हमने रात को किया क्या है सर। सचमुच सर बेटा पता तो तब चलेगा जब हवालात की हवा खाओगे। हाँ अभिषेक सर, इन दोनों का घर का एड्रेस मैंने ले लिया है। बेटा अब तो तुम्हारे घर का भी पता चल गया। प्लीज सर घर पर मत बताना सर। प्लीज सर। प्लीज सर घर पर मत बताना सर, घर वाले बहुत मारेंगे। घर वाले तो बाद में मारेंगे, उसके पहले हम ही तुम्हें इतना मार देंगे कि घर वालों का मार खाने लायक बचोगे ही नहीं। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तो क्या मैंने किया? नहीं नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लड़की के बॉडी पर स्क्रैचेस हैं और उसके साथ हाथापाई हुआ है, समझे? उसका रेप हुआ है, रेप। और रेप के बाद कातिल ने उसका गला घोटकर मार डाला। उसका रेप हुआ था? किसने किया होगा? रूम अंदर से लॉक था। रूम सर्विस ने जब डोरबेल बजाया तो अंदर से कोई रिप्लाई नहीं है। मास्टर की से दरवाजा खोलकर जब रूम सर्विस अंदर आया तो शनाया का लाश वहां था और तुम दोनों यहां। इसका मतलब साफ है कि इस रूम में तुम ही दोनों थे, कोई और अंदर आया ही नहीं। मुझे नहीं पता सर, कल मैं होश में नहीं था, मुझे बहुत ज्यादा चढ़ गई थी सर। क्या पता इसने सर इसका दिमाग खराब हो गया है। सर रात को मैंने विस्की ज्यादा पी ली थी और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, और ये कह रहा है कि मैंने रेप किया है। सर मैं रेप कैसे कर सकता हूँ? मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था और ये कह रहा है कि मैंने रेप किया है। जिसने भी किया है सब पता चल जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। और कर लो बेटा मस्ती, तुम मजे आ रहे ना? अब ऐसी मजे आएंगे जब पड़ेंगे पिछवाड़े पे तुम्हारे। सर हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल तक बोला है देने के लिए। ओके। देखा सर, दारू के नशे में सब कर दिया और अब मासूम बन रहे हैं। सर दारू चीज ही ऐसी है, नियत खराब हो जाता है, दिमाग पागल हो जाता है, बौखला जाता है। अभिषेक। जी सर। आज क्वार्टर दिन में ही मार लिया? सर ऐसा बात नहीं है सर, सर जब से ये मर्डर केस तब से पीने का सोने का मौका ही नहीं मिलता है। अभिषेक मेन सस्पेक्ट तो वो दोनों हैं, पर मैं ये सोच रहा हूँ कोई कॉल गर्ल का रेप करेगा क्यों? सर वही तो समझा रहा हूँ आपको, दारू के नशे में आदमी ना जाने क्या क्या कर जाता है। और पिछले महीने वाले केस तो आपको याद ही होगा ना, एक आदमी ने दारू पी के अपनी बीबी का रेप कर दिया था। और ये ठहरे सब, कम उम्र, गर्म खून, किसी बात पे लड़की ने मना कर दिया होगा और हो गया जो होना था। शट अप, यू कैन गो। ओके सर। ओके, यू कैन गो। यस सर। देखा साहब को, साहब बहुत सीरियस हैं, और जब साहब सीरियस होते हैं तो मुजरिम को या तो उम्र कैद होती है या सीधे फांसी। चांस नहीं है तुम लोगों को बचने के भाई, कुछ तो करो हवलदार साहब। हाँ साहब। भाई ये छोटा मोटा रेप नहीं है, गैंग रेप है, गैंग रेप। दो कॉलेज के लड़कों ने एक मासूम लड़की के साथ किया बलात्कार, ये न्यूज है कल के अखबार की, समझे? अगर ऐसा हुआ तो
मैं तो सुसाइड कर लूंगा। अगर तू सुसाइड करेगा तो मैं भी सुसाइड कर लूंगा। भाई कुछ भी करो लेकिन दुनिया तो गलत ही समझेगी ना, उनको लगेगा गे थे दोनों के दोनों। एक साथ जी ना सके तो साथ में मर ही लिए। सर बैठिए सर। बैठ बैठ। साहब बहुत पूछा लेकिन कुछ बताया नहीं लोगों ने। बोलेगी लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, सब सच सच बता दो। सर मुझे नहीं पता कि कल रात क्या हुआ सर। और तुझे? सर सच में सर मुझे भी नहीं पता कि कल रात को क्या हुआ था। तो फिर जितना पता है उतना बता दे। सर एक्चुअली हम दोनों यहाँ पर चिल करने आए थे सर। सर मैंने अपने एक दोस्त की मदद से कॉल गर्ल बुलाई थी सर। उसी का नाम शनाया था सर। सर यहाँ तक तो मैंने उसे अपनी गोल्ड की चैन भी गिफ्ट करती थी सर। और हाँ सर मैंने भी राडो की घड़ी उसको दी थी सर। आगे बता। सर अपने रूम में जाने से पहले दोनों ने पूरी एक बोतल विस्की की पी ली थी। हाँ सर मैंने भी पूरी बोतल पी ली थी सर। मस्ती मस्ती में शर्त लग गई थी कि कौन पूरी बोतल पी सकता है। और फिर? सर हम नशे की हालत में शनाया के साथ रूम में पहुंचे। सर मेरा तो सर बहुत ज्यादा घूम रहा था सर। और मैं और शनाया बेड के पास गई और सर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। सर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर। वो रवि उसके ऊपर शनाया के ऊपर गिर गया था और मैंने वहां से देखा था सर। फिर मैं वहीं से अपने बेड पर गिर गया सर। और उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं सर। और क्या याद आ रहा है बताओ, अपने दिमाग पर जोर डालो जोर। और सर मुझे कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी शनाया की। कैसी आवाज? जैसे सर विक्की बोल रहा था जाने दो जाने दो। तो तुझे लगा वो विक्की था? जी सर। हा? लगा या वो था? क्लियर कर वरना थर्ड डिग्री भी देने आती है। सर लगा तो था कि शनाया के साथ कोई है, शायद से वो विक्की ही था सर। अभिषेक। यस सर। इन दोनों को अंदर डालो। ओके सर। और इनके घर वालों को खबर कर दो। और मीडिया वाले आए कि नहीं? प्लीज सर ऐसा मत करो सर। प्लीज प्लीज सर हमें जाने दीजिए सर। सर प्लीज बिलीव मी सर हमने कुछ भी नहीं किया सर। तो तुझे लगता है वो रवि था? हाँ सर। तो हो गया केस सॉल्व, रवि इज कन्विक्ट। सर मैं नहीं था सर। सर मुझे लगता है सर विक्की था। सर लगता है क्या सर वो विक्की ही था क्योंकि सर हम दोनों के सिवा रूम में कोई नहीं था। ये हुई ना बात। मर्डर एक, सस्पेक्ट दो। पर सर ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो इनका रूम नंबर 106 है जी, फर्स्ट फ्लोर पर। हर आने जाने वाले इंसान के बारे में बताओ। और फर्स्ट फ्लोर पर जितने लोग काम करते हैं और रूम सर्विस में कौन था सबके बारे में, और सबको लाइन अप करो। ओके ओके सर। मैं चलूं सर? प्लीज सर बचा लीजिए हमको सर। प्लीज सर हमने कुछ भी नहीं किया सर। प्लीज सर सर ये फर्स्ट फ्लोर पे रूम सर्विस का काम करता है और उस रात ड्यूटी सर इसी की थी। तो तूने उस रात क्या देखा? सर उस रात मैंने दो आदमी को एक लड़की के साथ घूमते हुए देखा। साला थरकी। सर मेरे को लगता है जिसने पहले किया वो कातिल नहीं था, दूसरा जिसने बाद में नहीं किया वो कातिल था। सरो दारू के नशे में शनाया को मार डाला होगा कि उसने पहले क्यों नहीं किया, राइट सर? अभिषेक अब तो तेरा प्रमोशन पक्का कैंसिल। सर ये क्या बोल रहे हैं सर? पहले मैं में कोई मर्डर करता है क्या, और मर्डर करने के बाद हमारा आने का वेट करेगा क्या?
वो दोनों के दोनों वही थे। अच्छा ठीक है, पहले तुम ये बताओ, जो पहले किया वो कौन था, जो बाद में नहीं किया वो कौन था? सर आगे की इंक्वायरी करें। अभिषेक, ऐसा कोई है जो कल था अब नहीं? साहब एक है जो कल ही यहां से चला गया। साहब उसकी माँ मर गई थी और अपने साथी को कहके गया था कि 10 से 12 दिन में चला आएगा। ये बात सबसे बाद में बता रहा है तू? अब तो तेरा प्रमोशन पक्का कैंसिल। सर मैंने इंक्वायरी की, वो बहुत सीधा था और पिछले एक साल से यहाँ पर काम कर रहा था। पूरे रिसोर्ट में उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं थी सर। और सर जिससे भी पूछा सब उसकी बड़ाई कर रहे थे। तो सर मैंने सोचा कि जिसकी माँ मर गई हो भला क्या मर्डर करेगा बेचारा। वो था कौन? सर उसका नाम चंदू सिकरे, 21-22 साल की उम्र, दुबला पतला। चंदू सिकरे थाना डिस्ट्रिक्ट रहवासी? जी सर, पर आपको कैसे पता? ये तो मेंटली चैलेंज करेक्टर है। 12 से 17 साल की उम्र में बाल सुधार गृह में निकाला है और उसे तो 3 बार मैं ही अंदर डलवाया हूँ। यानी कि सर सारा काम उसी ने किया है? हाँ। ओ अभिषेक, कानून ट्रैक रिकॉर्ड नहीं सबूत देखता है और सबूत इन दोनों बच्चों के खिलाफ है। तू ये बता, जिस घड़ी और चैन के बारे में लड़कों ने बताया था वो मिली? नहीं साहब। अभिषेक, इस रिसॉर्ट में एक एक की तलाशी लो। जी सर, एक एक के लिए। पर सर ऐसी कोई भी घड़ी या चैन नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि दोनों में से किसकी है। चंदू को ढूंढो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सेमन की जांच कराओ और इन दोनों की सैंपल लो। जी सर, चंदू को तो छोड़ेंगे नहीं। चलो भाई लोग, अपना अपना वीर्य दान करो इन दोनों छोटी बोतलों में। मतलब सैंपल लेना है और इसको मेडिकल इंक्वायरी के लिए भिजवाना है। अब तो यही बताएगा कि असली कातिल कौन है। मतलब इससे पता चल जाएगा कि हम निर्दोष हैं। भाई बहुत ताकत होता है इसमें तो। 3 अरब लोगों का जनक, दुनिया का रक्षक है ये, रक्षक। इसी ने ही दुनिया को बनाया है, बसाया है और तुम लोगों की रक्षा भी कर ही लेगा। चलो बातें बंद करो और पेंट उतारो, शुरू हो जाओ। कैसे सर? आपके सामने? और नहीं तो क्या, मेरी आंखों के सामने। कोई गलती ना हो जाए इसलिए, समझे? नहीं नहीं, चलो शुरू हो जाओ, उठाओ बोतल। उस रात हम तीनों फुली ड्रंक थे। मैं और रवि अपना होश खो बैठे और दरवाजा बंद करना भूल गए। वहां से चंदू वेटर आ गया और उसने बेड पर शनाया को देखा और वो जानवर बन गया। मुझे लगा कि वो विक्की है और विक्की को लगा कि वो मैं हूं। शनाया ने चंदू को पहचान लिया था, इसलिए चंदू ने शनाया का मर्डर कर दिया। लेकिन एक बात समझ में आ गई, एग्जाम का स्ट्रेस बेटर है इस तरह के चिल आउट से। कसम खाली मैंने तो अब, अगर मेरे को गार्डन में भी घूमने का मन किया ना, तो वो गार्डन किसी कॉलेज का होगा, किसी रिजॉर्ट का नहीं। और मैंने भी कसम खाली कि अगर अब कोई लड़की मेरे करीब आएगी तो वो सिर्फ मेरी बीवी होगी।